विद्यार्थियों, मैं अंजनी कुमार तिवारी, हिंदी शिक्षक, BTS के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हेमंत प्रतापगढ़ से। कक्षा 6 के अपने अच्छे विद्यार्थियों, नए विद्यार्थी हैं, अच्छे समझेंगे। इनको पाठ्य पुस्तक बसंत, पाठ 4, चांद से थोड़ी सी गप्पे, इनके प्रश्नोत्तर को मैंने नोट्स में बना करके भेज दिया था, लिख लिए होंगे, हमको भरोसा है। अच्छा, इस पाठ का मूल भाव मैं समझाने के लिए इस वीडियो में प्रयास कर रहा हूँ। पुस्तक खोल लें और समझने का प्रयास करें। प्राकृतिक दृश्य है, छोटे बच्चे किस तरह आकाश में चंद्रमा के साथ खेल करते हैं, तारों को, चांद को देख करके किस तरह से खुश होते हैं, आनंदित होते हैं, और वही चित्र इस कविता में उभर करके सामने आता है। पढ़ता हूँ, देखिए कि किताब खोल के सामने रख लीजिएगा। चांद से थोड़ी सी गप्पे, 6 का छोटा सा बच्चा है और चांद से गप्पे का मतलब गपशप, बातचीत कर रहा है। गपशप करना मतलब हंसी मजाक करना, बातचीत कर रहा है चांद से। कैसे बात करता है? गोल हो, गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। अष्टमी के दिन थोड़ा सा तिरछा रहता है, पूर्णिमा के दिन एकदम गोल रहता है, तृतीया का दिन चंद्रमा बहुत पतला हो जाता है। तो इस तरह से अष्टमी और पूर्णिमा के दिन बीच का जो होता है थोड़ा तिरछा होता है, गोल भी होता है, पूर्णिमा से थोड़ा सा पहले का चंद्रमा, और उसी समय बच्ची उस चंद्रमा से बातें कर रही है। आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश। पूरा जो आकाश है यह वस्त्र है चंद्रमा का, पूरा जितना आकाश है सब क्या है? चंद्रमा का वस्त्र है। तारों जड़ा, इनका जो वस्त्र है वो तारों से जड़ा हुआ है, चांद का कपड़ा जो पहने हुए हैं तारा रूपी तारों से जड़ा हुआ है। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना, केवल मुंह इनका खुला हुआ है, बस मुंह केवल खुला है, बाकी ये आकाश रूपी वस्त्र से पूरा शरीर ढका हुआ है और कपड़ा तारों से जड़ा हुआ है। गोल चिट्टा गोल मटोल, गोल चिट्टा एकदम चिकना गोला, गोल मटोल चेहरा है चांद का, पूर्णिमा का चांद बिल्कुल गोल होता है। फिर है अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिंत, लगता है सिंत मतलब चारों तरफ, चारों दिशाओं में अपने वस्त्र को फैला के बैठा है, आकाश पूरी तरह से फैला हुआ है। हे चांद, तुम तो अपने कपड़े को चारों तरफ फैलाए हुए हो, आकाश ही तुम्हारा वस्त्र है, केवल मुंह दिख रहा है बस। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं जाने कैसे, खूब हैं गोकी, गोकी का मतलब है यद्यपि, गोकी का मतलब यद्यपि, यद्यपि आप तिरछे नजर आते हैं। देखिए, अष्टमी से लेकर के पूर्णिमा तक के बीच के चंद्रमा होता है उसी समय का वर्णन है, तो अष्टमी नवमी दसवीं में थोड़ा सा तिरछा होता है, पूरा गोल नहीं होता है, पूरा गोल होता है पूर्णिमा के दिन। तो वही अष्टमी दसवीं के चंद्रमा है, थोड़ा सा तिरछा है और गोल है। तो खूब हैं गो के, यद्यपि आप तिरछे नजर आते हो फिर भी पूरे आकाश रूपी वस्त्र को चारों तरफ फैलाए हुए हो। वाह जी वाह, प्रशंसा कर रही है बच्ची चंद्रमा का, चंदा का। वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं, जैसे कि आपको बीमारी है, आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं, दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल बिल्कुल ही गोल ना हो जाए। यहाँ एक एक अक्षर स्पष्ट करने का मतलब है, बच्चे ऐसे बोलते हैं धीरे धीरे, बिल्कुल ही गोल ना हो जाए, बिल्कुल गोल, यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता। जब पूर्णिमा का समय आता है तो चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ने लगता है, और पूर्णिमा के बाद अमावस्या की तरफ जब आता है चंद्रमा धीरे धीरे घटने लगता है। वही बच्ची कह रही है कि घटते हो तो घटते चले जाते हो, बढ़ते हो तो बढ़ते चले जाते हो, लगता है कोई आपको बीमारी है क्या, यही गपशप है। प्रकृति का सुंदर चित्रण किया गया है, चंद्रमा को मनुष्य की तरह बताया गया है, उसका मुख है, उसके वस्त्र हैं, उसके कपड़े हैं, मानवीकरण अलंकार है। जब प्रकृति को मनुष्य के रूप में बताया जाए तब वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है, उसको भी जीवंत बताया गया है, चंद्रमा को भी जीवंत बताया गया है, और आकाश की तुलना कपड़े से की गई है। हम समझते हैं, पूरा पाठ आप समझ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।